अब आप इस बात को मानिए या मत मानिए, ईरान अपने इंटरनेशनल लेवल पर भौकाल बढ़ा रहा है, उसका दबदबा इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ता जा रहा है। और ये बात मैं उसकी बढ़ाई में नहीं कह रहा हूँ, सारी बातें आज आपको सबूत के साथ ही बताने वाला हूँ, हालांकि हम हर रिपोर्ट सबूत के साथ आपको दिखाते हैं। लेकिन शुरुआत में ही जिस जत्थे को आपके सामने पेश करने वाला हूँ, उस पूरी कड़ियों को जोड़ के जब आप एक कंक्लूजन पे आएंगे तो आप भी कहेंगे ईरान का भौकाल। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों आपको बता दूं कि ईरान बड़ी ही तेज़ी से अपने रिश्तों को सुधार रहा है कुछ देशों को किनारे करके। जो देश कल तक ईरान से दूर भागते थे आज वो ईरान के करीब हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो यूरोपीय देश ईरान से दूर रहते थे वो उल्टा अब ईरान से भी तेल और गैस लेना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि वो लोग गैस और तेल रूस से नहीं ले सकते, पाबंदी लगी हुई है। हालांकि पाबंदी तो ईरान पर भी है लेकिन मजबूरन अमेरिका को कुछ पाबंदियों को घटाना पड़ा है, जिसके तहत गैस और तेल भारी मात्रा में ईरान एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको बता दूं कि एक खबर आई थी कि ओमान, जी हां अरब की एक कंट्री है ओमान, नाम सुना होगा आपने, ओमान भी अब सऊदी अरब के नक्शे कदम पर चलते हुए इसराइल के लिए अपने एयर स्पेस को खोलने वाला था। आसान भाषा में इसराइल के जहाज को अपने ऊपर से उड़ने को और अपने यहाँ उतरने को इजाज़त देने वाला था। ये बातचीत चल रही थी और इसराइल ने खुद लेटर हेड पर यह बयान जारी किया था और खुशी जताई थी। तो अब आपको बताता हूँ स्पेशल रिपोर्ट के जरिए, ये देखिए मिडिल ईस्ट में ये खबर आ चुकी है कि ईरान, और कई जगह ये खबर है, ईरान ने ओमान पर प्रेशर बनाया और ईरान ने ही पूरी तरह से ओमान की सरकार को आड़े हाथ लेकर काफ़ी कुछ समझाया भी है, काफ़ी कुछ कहा भी है। कुछ भी कहा हो, रिजल्ट ये है कि ओमान ने इसराइल के प्रपोजल को ठुकरा दिया है। ईरान ने बड़ी ही चालाकी से अपनी जो उसकी डिमांड थी कि IRGC को जो टेररिस्ट लिस्ट से है आपको निकालना होगा तभी हम इस डील में आएंगे, बड़ा ही दिमाग लगाते हुए उस डिमांड से भी पीछे हट गया है, क्योंकि अब डील होने वाली है। और कहा यह जा रहा है कि अगर ये डील हो जाती है तो ईरान के अंदर जो बेरोज़गारी है, भुखमरी बढ़ रही है, वो ख़त्म होगी, क्योंकि ईरान पर से कई भारी और बड़ी पाबंदियां हट सकती हैं, जिसके बाद वो यूरोप के कई देशों के साथ कामकाज शुरू कर सकता है। अब आपको बता दूं कि इसराइल के पेट में दर्द हो गया है, अमेरिका ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि डील हो सकती है, तो अमेरिका को इसराइल ने बिना सर पैर के कह दिया है कि ईरान को वापस डील में नहीं आने देना चाहिए, अमेरिका को पीछे हट जाना चाहिए। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इसराइल की ही रिपोर्ट है, बाइडन ने यूके, फ्रांस और जर्मनी इन तीनों से बात करी है और खबर ये है कि ईरान के साथ डील हो सकती है, ईरान के हक में ये बड़ा फैसला। वहीं आपको बता दूं कि ईरान के रिश्ते भारत के साथ सदियों पुराने हैं, जैसे रूस के। आपको बता दूं कि भले ही भाजपा सरकार के सपोर्टर और भारत के रहने वाले हिंदुत्व संगठन के लोग नफरत की नाव में बैठे हुए उनको लगता है कि नहीं मुल्लों से कट जाएंगे, दूर रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, अरे नाव में छेद हो जाओगे, ससुर डूब जाओगे, मामला आप खुद देख लीजिए, इनकी जबान ही देख लीजिए, ये सामने कुछ और कहते हैं पीछे कुछ और होता है। देखिए हमारे भारत की नीति क्या है, भारत के, आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये है भारत के जो स्पेशल टीम थी भारत की, वो वहाँ पहुँची थी, यूनियन मिनिस्टर भारत के पहुँचे थे, आड़े टेढ़े नेता नहीं, यूनियन मिनिस्टर पहुँचे हैं और पूरे चाबहार, जो ईरान का पोर्ट है चाबहार, उस पर पूरी तरह से उन्होंने उसका इंस्पेक्शन किया। ईरान और भारत के बीच में काफ़ी गहरी डील हुई और सुनिए, भारत ईरान से इतना खुश हुआ कि ईरान को 6 बड़ी क्रेन दे दी हैं। जी हाँ, अब कहा यह जा रहा है कि ईरान और भारत के बीच में बड़े सौदे हो सकते हैं, बड़ा व्यापार हो सकता है। भाई कट मुस्लिम, लो गया मुंह में बांस तुम्हारे। दोस्तों इसी के साथ एक बड़ी खबर आई है, ईरान के ऑफिशियल अधिकारी ने
नाम न बताने पर एक बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 सालों के अंदर सऊदी अरब के साथ ईरान काफ़ी बड़े डील करने वाला है। एक जगह है, एक ऑयल फील्ड को फिक्स किया जाएगा जहां पर दोनों देश यानी सऊदी अरब और ईरान मिलकर तेल पर काम करेंगे और दोनों देश मिलकर इस तेल को एक्सपोर्ट करेंगे। डील काफ़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है और होने वाला है तो आपस में शिया सुन्नी जो लड़ते हैं उसका लड़ना बेकार है। और ईरान और सऊदी अरब का ये कदम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी उम्मत के लिए मिसाल है। दूसरी तरफ ईरान का भौकाल इस प्रकार से जारी है कि पिछले 6 साल से दुबई और ईरान के रिश्ते ख़राब थे, अब 6 साल बाद अब जाकर दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए दूसरे देशों के लिए राजदूत अम्बेसडर भेज दिए हैं। अच्छा कदम। यूनाइटेड नेशन ने साफ साफ कहा है कि हम इसराइल के इस फैसले के खिलाफ हैं, जो फिलिस्तीन में उसने एनजीओज बंद किए हैं, और इस मुद्दे पर हम इसराइल से लगातार कांटेक्ट में हैं। इसके अलावा यूएन ने इसराइल को झाड़ लगाते हुए उसकी खुद पोल अब यूएन ने खोली है। जो कल तक यूएन चुप था, देखिए अब वो भी बोल रहा है। यूएन ने कहा है पिछले एक हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में यानी 7 दिन में 50 फिलिस्तीनियों का घर इसराइल तोड़ चुका है। लेकिन अफसोस, दूसरे चुप हैं वो छोड़ दीजिए, मुस्लिम ममालिक चुप हैं, ये तकलीफ दे है। दोस्तों आपको बता दूं, उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने इसराइल से निवेदन किया है कि हमारे जितने भी कैदी हैं फिलिस्तीनी उनको रिहा करो। 4,550, सोचिए 4,550 फिलिस्तीनियों को, बेगुनाहों को कैद किया हुआ है इसराइल ने, जिसमें 175 माइनर हैं और जिसमें 27 औरतें हैं, और 670 तो बिना किसी चार्ज बिना किसी ट्रायल के ही रखे हुए हैं। मतलब कुछ भी नहीं पता क्यों बंद किया है, क्यों उठाया है, कब तक रखा जाएगा, ये है इसराइल की सच्चाई। लेकिन महमूद अब्बास ने आगे बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि किसी भी कंडीशन में फिलिस्तीनी लोग, हम लोग अपने इस देश को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आपको पता है कि महमूद अब्बास ने जर्मनी में जाकर होलोकास्ट बता दिया था, कि होलोकास्ट पे बहुत लोग चीखते हैं, लेकिन ये जो इसराइल है इसने खुद फिलिस्तीनियों के खिलाफ 85 होलोकास्ट किए, जिसके बाद जर्मनी खिलाफ हो गया, इसराइल खिलाफ हो गया, अमेरिका खिलाफ बोला, पूरा यूरोप खिलाफ बोला, इतना खिलाफ बोले ये लोग कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट को अपने जुमलों को जस्टिफाई करना पड़ा कि उनका ये मतलब नहीं बल्कि ये मतलब था, जुल्म से मतलब था। हालांकि हमास ने क्लियर कट कहा है कि जो महमूद अब्बास ने कहा बिल्कुल सही कहा। इसके बाद सारी दुनिया एक तरफ हो गई और फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट यानी फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट को एक तरफ से ही गलत साबित करने में लग गई। इसी बीच मैं आप बता दूं कि मुर्दा अरब लीग, जी हाँ, वो एकदम से जागी और उसने कहा कि नहीं, जर्मनी और पूरी दुनिया जिस प्रकार से महमूद अब्बास को परेशान कर रही है ये सरासर गलत है, उन्होंने जो कहा सही कहा। जी हाँ, आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अरब लीग को मुर्दा क्यों कहा, क्योंकि ये साल में एक दो बार बोलते हैं, बाकी फिलिस्तीनियों पर बमबारी हुई ये खामोश थे, गाजा पर कुछ वक्त पहले बमबारी हुई ये खामोश रहे, हज़ारों बच्चे अभी भी जेल में हैं ये खामोश रहे। अगर आप फिलिस्तीन के साथ हो तो आपको पूरी तरह से साथ होना होगा, ऐसा नहीं कि आप दुश्मन के जुल्म पर खामोश रहो और दुश्मन कान कट जाए तब आप बोलो कि नहीं आपने गलत मारा, ये गलत है। नहीं, जब वो हमले कर रहा था तब आप क्यों नहीं बोले। वहीं IRGC के कमांडर, ईरान मिलिट्री के कमांडर का बड़ा बयान आ गया है जो तनाव बना सकता है और मामलात को और गंभीर कर सकता है। उन्होंने कहा है कि पूरे इसराइल में यहूदी के लिए अब छुपने और सेफ जगह कोई नहीं है, यहूदियों को पता है कि अब वो बच नहीं सकते, उनके लिए कोई सेफ जगह नहीं है, तो अब वहाँ के यहूदी खुद इसराइल छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दूँ, UAE और इजिप्ट के भी रिश्ते काफ़ी ख़राब चल रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है, बताया गया सही खबर है, UAE के प्रेसिडेंट इजिप्ट पहुंच गए हैं और अपने दोनों देशों के रिश्तों पर बातचीत शुरू हो चुकी है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि दोनों के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। वहीं आपको बता दूं, दो बेस्ट फ्रेंड के बीच में रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं। आपको बताऊं कि इसराइल की अम्बेसडर तुर्की पहुंची हैं, देख लीजिए रिश्ते गहरे होते जा रहे हैं दोस्तों, अब उम्मीद मत कीजिए कि तुर्की हक बात बोल देगा, लेकिन तुर्की का खेल समझना नामुमकिन है दोस्तों,
दूसरी तरफ महमूद अब्बास फिलिस्तीन अथॉरिटी के प्रेसिडेंट, फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट को रजब तैयब अर्दोगान ने 3 दिन के लिए तुर्की बुलाया है। पता नहीं क्या पुचकारेंगे, खैर वो तो उनके वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। बहरहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही, जल्द लौटेंगे और भी बड़ी जानकारियों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर भाई साहब नए नए हैं और पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो ये लाल बटन नीचे आता है सब्सक्राइब, जिस पर लिखा हुआ होता है, लाल रंग का होता है, उस पर आप दबाएंगे तो 15 लाख मोदी जी खुद आपके अकाउंट में डालने आएंगे। रजा भाई झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी पर भरोसा कर लेते हो, हमारी बात पर नहीं करते हो। चलिए सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।